नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, आज इसी वीडियो को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अपने प्रीवियस पेपर के अंतर्गत 92 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए थे। तो यह जो भी आपके किसान आंदोलन है या 1857 की क्रांति हुई, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे अपन ने उनकी महत्वपूर्ण जानकारी की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज अपने को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के विदाउट किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपन बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ विलयन के लिए तैयार था, मतलब कि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। मत्स्य संघ में कौन सा, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलयन के लिए तैयार था, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो आपके मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सा राज्य था जो बहुमत के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश के साथ विलयन करने के लिए तैयार था, तो वो कौन सा था, भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था या अलवर था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन था, धौलपुर। ये आपका राजस्थान में ना मिलने कर आपके किस में मिलना चाहता था, आपके उदयपुर के अंतर्गत सॉरी उत्तर प्रदेश में क्या चाहता था, मिलना चाहता था जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए बात करें कि कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन से है, जोधपुर राज्य का किसान आंदोलन से है, बूंदी राज्य के किसान आंदोलन से है, बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो अपन बात करें कांगड़ जो कांड था वो कहाँ से संबंधित था, आपके बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट रहेगा। बात करें गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की, तो ये अपन प्रीवियस क्वेश्चन में भी काफ़ी बार देख चुके हैं, तो धर्मसभा की, भील सभा की, राजसभा की या समसभा की स्थापना की। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे जो गोविंद गिरी थे उनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, तो मैंने आपको सभी के महाराजा ही बताए, जैसे कि अपन बात करें कि आपके मेवाड़ के आपके महाराजा कौन थे, महाराजा सावर्स थे। ऐसे ही अपने अगर बात करें कि जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो जोधपुर के उमेश सिंह थे, हनुमंत सिंह थे, गज सिंह थे या शार्दुल सिंह थे। अपन बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के समय है ना, एकीकरण के समय पूछा गया है, तो आपको इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो बात करें कि एकीकरण के समय अगर जोधपुर के शासक थे वो कौन थे, आपके हनुमंत सिंह थे। कौन थे, हनुमंत सिंह। और ये क्या करना चाहते थे, ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, क्या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, इनका भी ध्यान रखना है। एकीकरण में ये अपने राजस्थान में ना मिलकर किस में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से कौन से तरुण राजस्थान एम डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर किसान आंदोलनों के समस्याओं को प्रचारित किया, तो जो किसान आंदोलनों की अंतर्गत जो सीकर किसान आंदोलन था उसकी समस्याओं को प्रचार करने का कार्य कौन से आपके समाचार पत्र द्वारा, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड के द्वारा किसने किया, तो वो हरिलाल सिंह चौधरी ने किया, रामनारायण चौधरी ने किया, लादूराम चौधरी ने किया, हीरा लाल शास्त्री ने किया। तो ये क्वेश्चन अपन 4 से 5 बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा कि रामनारायण चौधरी ने यह तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड के समाचार पत्रों के माध्यम से आपके किसान आंदोलन था सीकर वाला उसकी समस्याओं को प्रचारित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, तो कौन था आपका शासक, सवाई प्रताप सिंह था, पृथ्वीराज था, महाराजा जगत सिंह सेकंड था या महाराजा विष्णु सिंह था। तो आपको बताना है कि जो कछुआ वंश के शासक हुए आपके जयपुर वाले आमेर वाले, उनमें उन्हें 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले कौन से राजा थे, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे जो थे आपके महाराजा जगत सिंह द्वितीय हुए, जिन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आपका समझौता किया या संधि की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का प्रमुख बनाया गया, तो जो आपके किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ था, तो राजस्थान संघ का प्रमुख किसे बनाया गया, डूंगरपुर का था, बूंदी का था, कोटा का था या झालावाड़ का था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसका था, कोटा का था, वहाँ कोटा का। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 की क्रांति के नेता था, तो 1857 की क्रांति के नेता कौन थे कोटा के अंतर्गत, कुशाल सिंह थे, नंदकिशोर थे, जयदयाल थे या आपके नबी शेर खान थे। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि कोटा के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ के नेता थे वो आपके जयदयाल और मेहराब खां, दोनों का ध्यान रखना है, जयदयाल और मेहराब खां दोनों थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए बात करें भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा,
बोगीलाल पांड्या के द्वारा, भूरेलाल के द्वारा या गुरु गोविंद गिरी के द्वारा? तो अपन बात करें भगत आंदोलन चलाया गया था या आपके गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था, और कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो उदयपुर की थी, डूंगरपुर की थी, बांसवाड़ा की थी या जैसलमेर की थी? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि कालीबाई कहाँ की थी आपके, वो थी आपके डूंगरपुर की। कहाँ की? डूंगरपुर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो वो क्या कौन थी आपकी? नगेंद्र बाला थी, अंजनी देवी चौधरी थी, रतन शास्त्री थी या रमा देवी पांडे थी? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसके दौरान जो पहली महिलाएँ आपकी गिरफ्तार हुई थी वो अंजना देवी चौधरी थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित करवाया? तो किस में चर्चा में आई ये बात? प्रताप समाचार पत्र के द्वारा, दैनिक ज्योति, नवज्योति समाचार पत्र के द्वारा हुआ, लोकवाणी के द्वारा या प्रभात के द्वारा? तो अपन बात करेंगे जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन था तो वो भारत में चर्चित बनाया वो कौन से समाचार पत्र के कारण बनाया? तो वो था आपके प्रताप। और प्रताप आपका जो समाचार पत्र है ये कहाँ से निकाला जाता है और इसके संपादक कौन थे आपके? विद्यार्थीचार्य है ना इसके संपादक। और ये कहाँ से निकाला जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो संगठित किसान आंदोलन आरंभ हुआ वो बिजोलिया से हुआ, बेगू से हुआ, अलवर से हुआ या सीकर से हुआ? तो आपको पता होगा कि जो संगठित किसान आंदोलन था वो आपका बिजोलिया से, कहाँ से? बिजोलिया से आरंभ हुआ था। और इसके जो आपके नेतृत्व करता थे वो कौन कौन थे? साधु सीताराम दास थे, इसके अलावा अपन बात करें विजय सिंह पथिक थे, और आपके रामनारायण चौधरी भी ने भी सहायकता दी थी। इसके साथ ही अपन बात करें तृतीय चरण के अंतर्गत आपके कौन थे? माणिकलाल वर्मा ने भी इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो कप्तान ब्लैक थे, हेनरी लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, कप्तान हित कौर थे। तो अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय अपने राजस्थान के जो AGG थे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपके? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 चरणों में हुआ, ये तो अपन काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो किस वर्ष में? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1956 में बने थे? तो मेवाड़ के जो महाराणा आपके भूपाल सिंह थे तो राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे वो कब बने थे? तो वो बने थे 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का हत्याकांड हुआ था, वो जनसंहार हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था? 1908 में, 1913 में, 1910 में या 1917 में? तो मानगढ़ की अपन बात करें कि वो नरसंहार हुआ था वो हुआ था 1913 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए ये आपके मिलाने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, आपको अच्छे से देखकर मिलाना है। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल थे, तो कौन थे? ABCD। कौन थे? ABCD, मतलब अलवर भरतपुर हो गया, करौली और धौलपुर। तो ये किस में आ रहे? अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, मिलान करना है। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो सरकारी कार्यालयों के अनुसार अगर सम्मिलित की बात की जाए तो अपन भरतपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? कृषि विभाग दिया गया था। कौन सा? कृषि विभाग। जोधपुर के अंतर्गत क्या थी आपकी हाईकोर्ट थी। कौन? हाईकोर्ट। और बीकानेर के अंतर्गत आपके कौन सा था? शिक्षा विभाग कहाँ था आपके बीकानेर के अंतर्गत। और उदयपुर को क्या दिया गया था? खनिज विभाग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहले का? 4123। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ?
तो 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ, 3 जून 1857 नीमच में हुआ, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू में हुआ, 9 सितंबर 1857 आहुआ में हुआ। तो आपको बताया गया कि अपने राजस्थान के अंतर्गत जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 नसीराबाद के अंतर्गत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की, इजलास जो सभा थी उसकी स्थापना की, या प्रोपकरण ने जो सभा थी उसकी स्थापना की, या महाराज सभा की स्थापना की। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे उदयपुर के अंतर्गत इन्होंने जो सभा की स्थापना की थी वो प्रोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।